नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के बारे में अब एक नया अपडेट आया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुशील कुमार ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन उनकी जमानत अब एक बार फिर से रिजेक्ट कर दी गई है, उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। दरअसल कुश्ती में देश को कई पदक दिलाने वाले पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने इस बार पुरजोर विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में हुई संगीन वारदात का कथित सरगना है। ये ग्लोब ट्रॉटर यानी कि दुनिया भर का चक्कर लगाने वाला इंसान है, और जमानत अगर मिलती है इसे तो ये कहीं भी भाग सकता है, फरार हो सकता है। सुशील कुमार ने अपने एडवोकेट प्रदीप राणा के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने ACP अरविंद कुमार के जरिए 5 पन्नों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें सबसे पहले इस मामले से जुड़े पूरे घटनाक्रम को कोर्ट के सामने रखा गया। आरोप ये भी लगाया गया कि मृतक सागर धनखड़ की बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की गई थी। अन्य घायलों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई गई थी। पीड़ितों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहले उठवाया गया था, और इसके बाद छत्रसाल स्टेडियम में कथित अपराध के मकसद से उन्हें लाने का आरोप भी लगाया गया है। गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि पीड़ित और आरोपी एक ही समुदाय के हैं, एक ही इलाके से ताल्लुक रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 5 मई की उक्त घटना से ठीक पहले सुशील कुमार ने पिस्तौल और अपने साथियों के साथ कुछ ट्रेनी पहलवानों को भी छत्रसाल स्टेडियम में पीटा था, और उनसे उनके मोबाइल फोन तक छीन लिए थे। जमानत में दिल्ली पुलिस ने विरोध में कई और अन्य आधार भी दिए हैं, जैसे घटना के वीडियो क्लिपिंग का होना, संरक्षित चश्मदीद और आम गवाहों का अपने बयान में साफ तौर पर सुशील कुमार का नाम लेना, और अपराध में उनकी भूमिका को बयान करना। इसके अलावा सुशील कुमार के मोबाइल फोन की लोकेशन, उनकी 2 गाड़ियों का स्पॉट से बरामद होना। पुलिस ने सुशील कुमार को मौजूद मामले में सरगना कहा है। आरोप ये भी लगाया है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित साजिश रची, हरियाणा और दिल्ली से आदमियों और हथियारों का इंतजाम किया, और फिर पीड़ितों को अगवा करके इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद जब सुशील कुमार फरार हो गए थे, उसे भी दिल्ली पुलिस ने एक तगड़ा आधार बनाया है। मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा है कि अब तक इस केस के सिलसिले में 18 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन चल रही है। सुशील कुमार को हाई प्रोफाइल बताते हुए उनके प्रभाव और उससे गवाहों के लिए खतरे की आशंका भी जताई गई है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि आरोपी ग्लोब ट्रॉटर है, और यदि उसे जमानत मिलती है तो यहां से वो बहुत आसानी से फरार हो सकता है। सुशील कुमार के खिलाफ पुराने आपराधिक मामलों का ब्यौरा और संरक्षित गवाहों के डर का जिक्र करते हुए पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होनी बाकी। निचली अदालत में आरोपों पर बहस सुनने के लिए 25 अप्रैल की तारीख भी लगी है। फिलहाल देखना अहम होगा कि सुशील कुमार के मामले में निचली अदालत में 25 अप्रैल को क्या कुछ होता है। आप बने रहिए सुशील कुमार के मामले से जुड़े हुए, हम आपको पल पल की रिपोर्ट ऐसे तरह से देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।